यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2 माई नेम इज़ विशाल एंड यू आर वॉचिंग हिमालयन बुल्स मोटो ब्लॉग्स। तो फाइनली वो डे है हमारा जब हम जा रहे हैं एक नए साल के एक नए ट्रिप पे, और कौन सा होने वाला है वो ट्रिप अभी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, क्योंकि इतने टाइम से मेरे को खुद को टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। और दिल्ली से मेरी बस है वोल्वो, क्योंकि मैंने ट्रेन करने का भी ट्राई किया तो मनाली तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो इसलिए मैंने बेटर मेरे को ये लगा कि अपन डायरेक्ट बस करते हैं, वो बेटर रहेगी। तो हम आज 4 तारीख को हमारा फर्स्ट डे है मनाली के लिए, वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से कश्मीरी गेट से हमको बस मिलेगी डायरेक्ट मनाली के लिए, जो कि मैं पहले से बुकिंग कर चुका हूँ, और कल सुबह हम 10 बजे मनाली पहुँचेंगे। तो ये जर्नी शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार के साथ में। यार आप तो काफ़ी टाइम से मेरे को मालूम है ब्लॉग आया नहीं, कुछ पर्सनल रीजन्स थे उसके। अब हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। इस बार कुछ ट्रिप अलग होने वाला है क्योंकि आपको मोटो ब्लॉग नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बाइक नहीं लेके जा रहा कहीं भी, बस सोलो ट्रैवल करने में निकल चुका हूँ, अकेला मनाली जा रहा हूँ। और देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये चीज़ फील करनी थी कि कंफर्ट जोन से अपन बाहर आते हैं। कंफर्ट जोन वो है जो मैं बाइक की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में बाइक होती है, बट अभी बाइक नहीं है तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, क्या टिकट्स वगैरह, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को ब्लॉग में दूंगा। तो बस कीप सपोर्टिंग यार, अब बस नई सीरीज चालू होने वाली है, प्यार बनाए रखना, आगे अपडेट करता रहूँगा। तो यार फाइनली अपन बस से बैठ के निकल चुके थे मनाली के लिए, और उस टाइम पे मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा लगेज वगैरह रखना था मेरे को, तो मैं सोचा इसको ना लेके अपन सबसे पहले लगेज रखते हैं, और जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप होगा हमारा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बस कौन सी है। और सीट तो मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर और भी मेम्बर्स हैं, तो आई डोंट नो इफ दे आर कम्फर्टेबल और नॉट। तो मैं आपको बस दिखाता हूँ पहले कौन सी है और किस टाइप की सीट्स होती हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको एक बार बाहर से लुक दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी बस लक्ष्मी हॉलीडेज़ की, आप इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, वहाँ से ऑनलाइन सीट भी वगैरह बुक कर सकते हो, मैंने भी ऑनलाइन बुक की थी जो कि काफ़ी सही होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऑफिस से सीट मिल जाए। इस टाइप की बस है, यहाँ पे साइड में आप ऊपर सीट्स वगैरह देख सकते हो। तो फाइनली मैं आप लोगों को एक बार टूर कराता हूँ हमारी बस का, हमारी नसेंस की, मैं जिस बस में जा रहा हूँ, और क्योंकि अभी कोई है नहीं, और एक जो कोई है उनसे मैं परमिशन ले लिए। तो स्टार्ट करते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट से, एंट्री गेट से, कि कैसे दिखती है जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाली बस है हमारी, और अंदर से कैसे दिखती है, ये आ गया है कैबिन इसका, और ड्राइवर साहब यहाँ बैठते हैं। बाकी ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, सेमी स्लीपर्स हैं तो काफ़ी कंफर्ट है इनके अंदर। तो आपसे हमको टाइम लगने वाला पहुँचने के अंदर, तो काफ़ी ठीक है यार, इतना भी कुछ है नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल वो सोने वाली स्लीपर आती है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसमें आपको सेमी स्लीपर ही करनी पड़ती है। ट्रेन अवेलेबल होती नहीं है, तो ट्रेन में आप चंडीगढ़ टू जा सकते हो, चंडीगढ़ टू आपको मनाली बस लेनी पड़ती है। तो बस मेरे पीछे है हमारी, बस अभी सफ़र को इन्जॉय करते हैं और चलते हैं। पीछे म्यूजिक है, इसको इग्नोर करना, कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो। थोड़ा है मनाली दूर, उसमें भी शायद 12-13 घंटे लगने वाले हैं, बट ठीक है, कंफर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, आप बुक कर सकते हो। सेमी स्लीपर है, नॉर्मल स्लीपर जो एक अलग आता है वो अलग है, और एक नॉर्मल सीट आती है वो अलग है। तो चलो यहाँ से फर्स्ट स्टॉपेज है हमारा, कुछ पीते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं ट्रिप को मनाली के लिए। अभी कुछ नहीं है, सो जाना है केवल, और आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, तो हो सकता है हम सीधा कल मिले मनाली के अंदर। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ये नया एक्सपीरियंस मेरे लिए भी, और बाइक के अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बेटर टू बेटर व्यू दिखाने की, बेटर प्लेसेस दिखाने की, और थोड़ा वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने का। मेरा यही ट्राई रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलो लगे रहो वीडियो में देखने को, स्किप मत करना यार, अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं। बाय बाय। फाइनली अपन मनाली में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो मेरा होटल है उसका एक बार आपको मैं टॉल करा देता हूँ जैसे मैं चेकिंग करूँगा, और क्या डिटेल्स है होटल के बारे में। और बस स्टैंड जो प्राइवेट बस स्टैंड था वहाँ से मैंने कैब करके इस लोकेशन पे मैं आया हूँ, तो उस बीच में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सामान था, तो मैं फटाफट एक बार होटल पर पहुँचते, उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं।
और अभी तक ठीक है, ये शायद मेरा पहला ऐसा होटल होने वाला है टिल नाउ कि जो थोड़ा अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। बाकी रूम्स वगैरह अपन चेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर चलेंगे बाहर और छोटी मोटी चीज़ें जो भी है मनाली के अंदर आज एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं मनाली के फर्स्ट डे की, यहाँ की फर्स्ट कॉफ़ी के साथ में। और अभी चेक इन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है रूम के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फुल है, तो जब चेकआउट होंगे तभी हमारा रूम खाली होगा, मेरा रूम खाली होगा। और यहाँ से व्यू क्या दिखता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्नो माउंटेन के यहाँ से दिख रहे हैं, बट अभी अपडेट ये है कि शीशु वगैरह में भी शायद स्नो मेल्ट होने लग गया, तो इतना बर्फ़ वहाँ नहीं मिलेगा। बट वी विल ट्राई कि जहाँ पे सबसे बेस्ट स्नोफॉल हो रहा हो या बर्फ़ अवेलेबल हो, हम वहाँ पे पहुँचेंगे और आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा कैसा है। बट फिलहाल इन्जॉय कराता हूँ जहाँ पर मैं इस होटल के रेस्टोर में बैठा हूँ, वहाँ से अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। तो ये देखिए सामने खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है, और अभी थोड़ा नीचे हूँ मैं, तो अगर हाइट पे भी अगर अपन जाते हैं तो वहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा होगा। कुछ माउंटेन्स वहाँ पे भी दिख रहे हैं। भाई भरी ठंड के अंदर कॉफ़ी का स्वाद गरम गरम बहुत सुकून देता है, पर ठीक है, उतनी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठंड उतनी है नहीं अभी, क्योंकि अभी देख लो मैं शर्ट में हूँ नॉर्मल, मैंने ऐसा कुछ जैकेट वगैरह डाला नहीं। मैं जब दिल्ली से निकला तब से मैंने जैकेट वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बीच में ख़त्म होती जा रही थी कि ठीक है, बस ने जहाँ पे भी बस ने स्टॉप लिया था वहाँ पे मैं बाहर निकला, तो उतना कुछ खास था नहीं। तो अभी देखते हैं बाहर चलेंगे, क्योंकि अभी बर्फ़ वाले पहाड़ थोड़े दूर हैं, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो यहाँ पर। बाकी आपको रूम से भी व्यू दिखाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा था, मैंने जब बुक किया था तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी तो काफ़ी अच्छी थी। फिलहाल हमारी कॉफ़ी को हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको कॉफ़ी ब्रेक के बाद में। तो अभी चेकआउट हो रहा है अपने रूम का और क्लीनिंग वगैरह होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रश है अभी भी थोड़ा मनाली के अंदर। और ठीक है, मेरा सामान मैं वहाँ पे रख के आ चुका हूँ, और मैंने उनको बोला कि यार जैसे आप लोगों का अगर चेकआउट हो जाता है तो प्लीज़ मेरे को कॉल कर देना, इतने मैं मनाली की गलियों में घूम लेता हूँ। मैं आपको यहाँ से मेरा होटल दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सी, और जो वाइट वाला है ये अपना होटल है पीछे, इसका नाम आप कर लो यार स्टोन हाउस कॉटेज। अब चलते हैं छोटी मोटी गलियां अपन देखते हैं, इसके बाद अपन चेक इन करेंगे और फिर करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग्स को। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा ओपन इंस्टाग्राम चैनल आ रहा है, सबसे पहले जो भी चीज़ होती है मैं वहीं पर अपडेट करता हूँ। यूट्यूब पर फिर एडिट करो उसके बाद में आता है, सो थोड़ा सा टाइम हो सकता है, थोड़ा डिले आप बोल सकते हो, बट उससे पहले प्रायोरिटी में इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आ जाती है, पोस्ट आ जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, फटाफट अगर फॉलो नहीं किया तो कर लो वहाँ पे जाके। अभी मैं सोच रहा था कि जो अपने आसपास का एरिया है लाइक हिडिम्बा टेंपल है और दो तीन चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने का, तो जस्ट मैंने नॉर्मली पूछा था कि अपन स्कूटी रेंट पे लेते हैं, तो पहले उन्होंने मेरे को 600 बोला था, फिर लास्ट में मेरे को 500 बोला। बट लेट्स सी, अगर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होता है डिस्टेंस लाइक 5 किलोमीटर से अगर ऊपर जाता तो हम स्कूटी लेंगे। 5 किलोमीटर तक मैं पैदल ही एक्सप्लोर कर लूँगा यार, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले होटल का चेक इन का देखते हैं क्या सीन बैठा है। हाँ जी, तो फाइनली आ चुके हैं अपने रूम के अंदर काफ़ी वेट करने के बाद, तो कुछ रूम ऐसा है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर जिसमें आप अच्छे से अपना तैयार यार होके जाओ बाहर घूमने के लिए। और ये रूम है अपना सारा, अभी 2 बैग्स हैं मेरे, दोनों मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ये अपना आज का बेड होने वाला है। रूम काफ़ी अच्छा है और यहाँ से भी व्यू देखने को मिल जाएगा आपको, और ये भी बालकनी है, अभी दिखाता हूँ आपको ओपन करके। यहाँ पे अपना लगेज वगैरह अपन रखेंगे, और ये है वॉशरूम, नाइस। आपको बालकनी का व्यू दिखाता हूँ भाई कैसा दिख रहा है, यहाँ से हमारे रूम से बाहर आने के बाद में कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको, बहुत सेक्सी व्यू है। पास में कुछ ऐसी होटल्स भी हैं, हमारी भी सेम ऐसी दिखती है, मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि कैसी दिखती है अपनी होटल दूर से, बहुत शानदार व्यू है। और जो वो डाउन वाला एरिया आपको दिख रहा है वहाँ पे वो रिवर है, तो वहाँ पे भी चलेंगे, ज़्यादा कहीं नहीं जा पाए तो कम से कम वहीं चल लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पर, नाइस व्यू अच्छा है बालकनी से भी, बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं भाई। और अभी सामान जमाते हैं और उसके बाद में अपडेट लेते हैं कि हमको कल क्या प्लान्स करने हैं और कहाँ हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी।
तो रूम काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ा सा अपन सामान वगैरह जमाते हैं, उसके बाद में अपन निकलेंगे बाहर, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करेंगे अगर जहाँ पे मैं जा पाया जाऊँगा, और अगर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो अपन फिर स्कूटी लेते हैं और स्कूटी पे छोटा मोटा आसपास की चीज़ें कवर करके वापस होटल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे का प्लान जो है वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बट इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो पता है सिंपल सा प्रोसेस है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कुछ अगर सजेशन हो आपके भाई के लिए। और टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो, ऊपर आ रहा है हिमालयन ग्रोथ, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इजी होता है यार, बिना एडिटिंग के मैं स्टोरी वगैरह डाल सकता हूँ, पोस्ट वगैरह अच्छे अच्छे डाल सकता हूँ। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है वो पार्ट भी हमारा, कि नेक्स्ट हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, सारी अपडेट्स आप लोगों को दूंगा, क्या वेदर है, कहाँ पे स्नो मिलने वाली है, सब चीज़ें। और अभी हम हैं January 4, 2024 में, पहले ट्रिप पे इस साल के। बाय, लाइक कर देना।